उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज कोरोना वायरस के 11 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस के 11 पॉजिटिव मामले आने से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखवा दिया है। साथ ही मरीज किन किन के संपर्क में आए उन लोगों की भी सूची बनाई जा रही है। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के 11 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनको सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और उनके रिश्तेदारों को चिन्हित करके उनके लिए सैंपल लेकर उनकी जांच की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। तर सुना है कुछ एक लिस्ट आई है जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव की कितनी संख्या है। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये जो 14 तारीख परसों के सैंपल थे उनकी रिजल्ट लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है और उसमें 11 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, बाकी 55 सैंपल जो है नेगेटिव आए हैं और एक सैंपल को रिपीट करना पड़ेगा। क्या कुछ इसमें मेल फीमेल भी है? हाँ, जो पॉजिटिव सैंपल आए हैं उसमें 5 फीमेल्स भी हैं। ये खाली मुरादाबाद के लिए? जी, मुरादाबाद के हैं, सब क्वारंटाइन हैं। परसों क्वारंटाइन फैसिलिटी के जो सैंपल लिए गए थे उसमें से ये रिजल्ट आए। पूछ सकते हैं कि क्या इसमें बबलू जो सरताज का भाई है वो भी शामिल है? बबलू नाम का तो इसमें नहीं दिखा, मगर एक सरताज का भाई है जिसका नाम जो है सरताज का भाई है जो वहाँ भर्ती है TMU, वो इनमें से है। 5 महिलाएं हैं और सब क्वारंटाइन हैं, कोई मतलब बाहर का केस नहीं है, सब जानकारी के केस हैं जिनकी संभावना थी और जिन्हें इसी के मद्देनज़र क्वारंटाइन में रखा गया था, वही केस है। सर, जो मुरादाबाद में हॉटस्पॉट पहले से बनाए हुए हैं, क्या कोई नया इलाका इसमें से मिला है कि उसको भी हॉटस्पॉट बनाया जाए? कुछ नहीं, इसमें ये सब पुराने हॉटस्पॉट के हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।